हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। राधे राधे सभी को, जय माता दी, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, हर हर महादेव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है वो किसने किया है, क्यों किया है और कब किया है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और क्यों किया है, कब किया है, ये भी हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो जो भी हमारे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखते हैं कि उनके लिए किसने ब्लैक मैजिक किया है, क्यों किया है और कब किया है। रेंडमली निकालूंगी क्योंकि फॉल होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, उससे टाइम ख़राब होता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, और भी हम कार्ड्स लेंगे दूसरे डेक से। तो और भी हम कार्ड लेंगे और देखेंगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया है, क्यों किया है और कब किया है, ये हम देखेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। तो ट्रस्ट, कॉम्प्रोमाइज, We are the world, isolation, comparison, beyond illusion, और भी हम कार्ड लेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक गिल्ट, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो आया था ये सेवन ऑफ सोर्ड्स आया था, शेडो कार्ड आया था सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो सेवन सेवन की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। और भी हम लेंगे कार्ड्स एनर्जी ओरेकल से लेंगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया है, क्यों किया है और कब किया है। और लेंगे हम कार्ड्स एक डेक से और लेंगे। मैजिशियन, देखिए मैजिशियन का कार्ड आ गया, दैट मींस परमानेंटली स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ हार्ट, हॉस्टिलिटीज, और भी हम कार्ड्स लेंगे। अभी एक डेक से कार्ड और लेंगे हम। बॉटम ऑफ द डेक आया द टेंपल पाथ, इस डेक से और लेंगे हम कार्ड और देखेंगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया है, क्यों किया है और कब किया है। पाथवे, थॉट्स, चाइल्ड, टॉयल एंड लेबर, ऑफिशियल पर्सन, एक कार्ड और हम लेंगे, इम्प्रिजनमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं
कि जिसने भी आप पर ब्लैक मैजिक किया है वो आपके वर्क प्लेस से है। यहाँ पर 60-70% लोगों के लिए मैं बताऊँ वर्क प्लेस से दिखाई दे रहा है। और जिसने भी आप पर ब्लैक मैजिक किया है ना, ये पर्सन चाहे ये मेल हो फीमेल हो, इसकी जो एज है वो बिलो 25, और एक जो मुझे दिखाई दे रहा बंदा वो बिलो 35 एज का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड आया जो कि ये बता रहा है कि आपको स्टक कर दिया है ब्लैक मैजिक करके। तो ये जो पर्सन है जिसने भी ऐसा किया है, इसने हो सकता है आपके साथ चीटिंग कई बार की हो, कई बार आपको उसके उसकी एक्टिविटीज से ऐसा डाउट होता हो कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये आपके लिए बेहतर नहीं है, ये आपके लिए कुछ गलत कर सकता है, आपको बार बार ऐसा इंट्यूशन आता हो। बट ये पर्सन बार बार जो है वो किसी ना किसी तरह की आपको सफाई दे देता है, और ये बराबर जो है ये प्रयास करता आ रहा है। ये जो पर्सन है 1-1.5 साल से बराबर आपके ऊपर कर रहा है मैजिक, ब्लैक मैजिक। साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बार बार पास्ट में जो आपके साथ इनकी जो भी लड़ाई हुई हो, जो भी विवाद हुआ हो पास्ट में, तो ये जो है पर्सन, हो सकता है आपने इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया हो, बट ये जो पर्सन है ना ये भूले नहीं हैं उस चीज़ को। ये बार बार इन्होंने अपने मन में एक ये ठान रखी है कि आपके साथ जो है कुछ ना कुछ वो आपके साथ जो ये कह सकते हैं कि बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। तो इन्होंने उस समय तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन ये बराबर आपके साथ जो है चीज़ों को भूले नहीं हैं, बार बार ये जो है उन्हीं चीज़ों को याद करके और आपको प्रताड़ित करते हैं किसी ना किसी इसी तरीके से, ब्लैक मैजिक के जरिए से। साथ साथ यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो हो सकता है आप सब पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, और किसी ने आपसे माफ़ी मांगी, किसी ने आपको बोला कि नहीं मेरे से गलती हो गई अब नहीं करूँगा, या आपसे पैच अप कर लिया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पैच अप कर लिया, लेकिन उसके बावजूद वो इंसान जो है वो बराबर प्रयास कर रहा है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने का। तो यहाँ पर मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये होली जो लास्ट अभी गई है, होली पे आपके लिए कुछ जो है इन्होंने ब्लैक मैजिक किया है। होली जो अभी लास्ट में 2022 की गई है ना, उसी होली वाले दिन इन्होंने कुछ किया है आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ लोगों को जो है वो खिलाया गया है किसी चीज़ में, किसी खाने की चीज़ में जो उनको दिया गया है, और जिसके थ्रू जो है आप कुछ लोग जो हैं मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। हालांकि आप जो हैं बराबर, आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकता है, हो सकते हैं, और आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं हो, बट आपको कभी हेडेक होने लगता है, कभी जो है आपको घुटनों में दर्द होने लगा, कभी एकदम से बुखार आ गया, मीन्स कुछ ना कुछ लगा रहना, कभी कहीं से इशू हो जाता है, कभी लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, कभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम, इस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कुछ भी, उसको बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में रहे हैं किसी के साथ और आपने उस पर्सन को छोड़ दिया है कंपैरिजन करके, हो सकता है आपको कोई अच्छा इंसान मिल गया हो, आपने उस पर्सन को छोड़ दिया, वो
जो अभी का जो प्रेजेंट पे जो आपका रिलेशनशिप है वो पर्सन ज़्यादा अच्छा हो पिछले वाले से, तो हो सकता है आपने जो आपका जो अभी न्यू कनेक्शन है उस वो जो है वो बेहतर हो आपके लिए पिछले कनेक्शन से। तो जो पिछला जिसके साथ आपका कनेक्शन था ना, उस पर्सन ने आपके लिए करा हुआ है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पे दिखाई दे रहा है कि आप जीवन में आगे ना बढ़ पाओ, आप जीवन में कभी जो है उनसे आगे ना निकल जाओ, इसलिए उन्होंने आपके ऊपर किया हुआ है। साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दिया है आपके जो रास्ते हैं उसको बंद किया गया है, कुछ लोगों के लिए इनकम के सोर्सेज बंद किए गए हैं ताकि आपकी इनकम बिल्कुल एकदम से बंद हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा हो लेकिन अचानक से एकदम से बंद हो जाना, इनकम के रास्ते अचानक से बंद, आपके पास मनी का जो फ्लो है वो बंद हो जाना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर जिसने भी किया है ये कोई ऑफिशियल पर्सन है कोई, और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो ये पर्सन का, अगर आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं इस पर्सन से जो ये जो हेड है इसके साथ आपका कुछ विवाद हुआ हो, इसके पास साथ आपका कुछ मनमुटाव, सॉरी मनमुटाव नहीं कह सकते, कुछ बहस हुई हो, कुछ लड़ाई हुई हो इसके साथ, तो इसने भी आपके ऊपर किया हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको किया गया है कि आपके जो बच्चे ना हो, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिनके भी ब्लैक मैजिक किया गया है वो लोग जो हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा जो है पैसा बहुत है आपके पास, बहुत रिच हो आप, लेकिन आपके ससुराल के जो कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि आपके जो है आप कंसीव कर पाओ, आपका जो है वो वंश चल सके। वो ये सोचते हैं कि अगर आपका वंश जो आगे नहीं बढ़ेगा तो वो सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, इस तरह का जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटीज़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे जो है दुश्मनी उन्होंने अपने मन में पाल के रखी है, भले ही वो हो सकता है वो आपको ऊपर ना दिखाते हो लेकिन मन में बहुत ज़्यादा उन्होंने एक बोलते हैं ना कि मन में एक टशन पाल ली है। और मैजिशियन का कार्ड आया जो कि यही बताता है कि इन्होंने जो है आप पर ब्लैक मैजिक किया है। अब हम और भी कार्ड्स देखते हैं, और भी हम हैंडमेड कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके जो ट्रेट्स हैं वो क्या हैं जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक किया है। कार्ड निकालने से पहले मुझे थोड़ा सा मैसेज आ रहा है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो और आपने उनको छोड़ दिया हो किसी वजह से, तो उन्होंने आपके ऊपर ऐसा कर रखा है कि आपकी मैरिज होने में प्रॉब्लम हो रही है, आप शादी के, हो सकता है आपको बहुत सारे प्रपोजल आते हों बट कहीं भी आपका रिश्ता जो है वो तय नहीं हो पा रहा है। इस इंसान ने हो सकता है आपकी शादी को बांध रखा हो कि आपकी शादी ना हो। और भी हम कार्ड्स निकालेंगे, अब हम देखते हैं कि क्या हैं इनके ट्रेड्स जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक किया है, जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक किया है उनके ट्रेड्स क्या हैं। तो इनकी जो है दाढ़ी हो सकती है, जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक किया है इनकी बियर्ड हो सकती है, दाढ़ी मूछें हो सकती हैं, और डॉक्टर हो सकते हैं ये, हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, नर्स हो सकती हैं, और रेकी हीलर हो सकते हैं। और भी हम कार्ड्स निकालेंगे। बहुत ज़्यादा एंग्शियस मीन्स ये जो इस तरह की जो हरकत करते हैं ना जो ब्लैक मैजिक, वो एंग्शियस ही पर्सन रहते हैं, वो हमेशा नेगेटिव काइंड पर्सन, हमेशा सोचते रहना, दुखी रहना, दूसरों के बारे में
दुखते रहना, दूसरों को देखकर खुश ना होना, तो ये एंग्शियस, जितनी भी मैंने अभी तक 2-3 वीडियो बनाए हैं उसमें ये कार्ड जरूर आता है, ब्लैक मैजिक का। बहुत सारे कार्ड गिरे हैं तो ये कार्ड जो है वो हमेशा आता है ब्लैक मैजिक की रीडिंग में। शॉर्ट एंड फेट हो सकते हैं ये, थोड़े से इनकी हाइट कम हो सकती है और मोटे हो सकते हैं जिन्होंने भी आप पर किया है। आर्ट एंड म्यूजिक का बहुत शौक हो सकता है इनको, पेंटिंग हो सकता है ये करते हो, और म्यूजिक का बहुत सुनने का भी शौक हो सकता है, गाने का भी शौक हो सकता है। इनके स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं, लंबे बाल। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ऑथोरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए मैंने आपको ये कार्ड के साथ कहा था ना कि ये जो है ऑफिशियल पर्सन है कोई। और भी हम कार्ड्स निकालेंगे। तो इनका जो राशि हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकती है इनकी राशि। डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इनका, जो सांवला कलर हो सकता है इनका। और टाइम भी बताऊंगी आपको कब किया। फैमिली का कोई हो सकता है, मैंने अभी आपको ही कहा था फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है। अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को गुस्सा आता है, जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है ना, अग्रेसिव ही होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। और टेटूज इनके बने हो सकते हैं हाथ पर, या हाथ पर कहीं पर भी इनके टेटूज हो सकते हैं, जिन्होंने भी आपके साथ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है। अब कब किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब हम टाइम के लिए कार्ड देखते हैं कि आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है कब किया गया है। ब्लैक मैजिक कुछ कार्ड्स में निकालूंगी। तो यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये जो आपके ऊपर मैजिक किया गया है, इसका पीरियड जो है ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी के बीच में किया गया है। ये 3 महीनों के में किया गया है। फाइव ऑफ कप्स, ये अभी रिसेंटली आपके साथ किया गया है, जून, जुलाई, अगस्त, 3 अभी जो अभी के जो 3 महीने हैं उसमें किया गया है। ये भी कार्ड वही बता रहा है, शेरियोट का कार्ड है, जुलाई में किया गया है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों के बीच में किया गया है। कुछ लोगों के लिए जो है जून, जुलाई, अगस्त में किया गया है। कुछ लोगों के लिए जुलाई में किया गया है। कुछ लोगों के लिए मैंने अभी होली पे आपको बताया है, तो कुछ लोगों के लिए होली पे किया गया है। ये इनके ट्रेड्स हैं। अब हम देखेंगे कि उनके नेम के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। जिन्होंने आपके साथ ब्लैक मैजिक किया है ना, उनके नेम के अल्फाबेट क्या हैं। तो पहला हो गया ई, इतने ही निकालूंगी मैं, ये ब्लैंक है। डी है इनके नेम का इनिशियल, ओ भी हो सकता है, एन हो सकता है, आई हो सकता है, ई डबल है, ब्लैंक है, यू हो सकता है। ये इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं जिन्होंने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।